बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नामदू व सल्ली अला रसूल करीम अम्माबाद। माजरत के आप कुछ इंतज़ार करना पड़ा, मगरिब की अजान भी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर बात करूँ। मेरी परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जो एक सियासी घराना भी था, फौजी घराना भी था। मैंने दोनों तरह के रवैयों को बड़े करीब से देखा। बचपन से ही वालिदैन ने मुहब्ब वतनी का दर्स दिया, बांगे दरा और बाले जिब्राइल पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। शोहदा की स्टोरीज सुन के फ़ख्र महसूस करते थे, राशिद मिनहास शहीद हों या मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, वो हमारे हीरोज़ थे। और हमेशा यही तसव्वुर किया हर मुसलमान की तरह कि हम भी बड़े हो के फ़ौज में जाएंगे और अल्लाह ताला शहादत का रुतबा हमें देगा। सो बचपन से ही ब्रेन की बायो केमिस्ट्री के अंदर अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ और बिलखसूस शहदा कराम के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी जो है वो हमारी रही है, और इतनी ज़्यादा कि उसकी छलक हमारे हर रवैये से नज़र आती रही। मुझे याद है मैं हज करने गया तो किसी ने कहा सबसे पहले खाना काबा को देखने जा रहे हो तो ये दुआ करना दिल में आपके होता है, जो आप पाकिस्तान के लिए मोहब्बत वो हमेशा जो रही। उसी तरह की कोटेशन याद करना, मुझे याद है किसी ने कहा था कि इंस्पायर्ड मैन विद करेज डिटर्मिनेशन एंड कन्विक्शन दे एक्ट इन यूनिसन बट डाई अलोन, शहादत इज़ देयर डेस्टिनी एंड निशान हैदर ओनली अ सिम्बॉलिक रिकग्निशन ऑफ अ सुप्रीम सेक्रीफाइस। यही जज्बा, यही मोहब्बत बचपन से लेके नौजवानी और उसके बाद तक की ज़िंदगी में और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रही। मैं जब अल्लाह ने मुझे फेम दिया तो जो पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा था वो आपने भी देखा कि सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के ज़रिए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, और फिर मेडिकल कॉलेज में भी इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी क्योंकि नारोवाल के जितने भी शहदाए कराम हैं उनके बच्चों के लिए हमारे सहारा के सुग्रा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें तालीम मुफ्त है, यानी उनकी सीट्स स्पेसिफिक हमने की हुई हैं कि अगर किसी शहीद का बच्चा है तो उसको मुफ्त हम पढ़ाएंगे। अलग एक करोड़ सवा करोड़ रुपया उसका उस पर खर्चा आता है। जहाँ जहाँ शहदा की तस्वीरें लगी हुई हैं, मैं जब गांव मुख्तलिफ देहात में हम कैंपेन के लिए जाते थे तो किसी कोने में तस्वीर नज़र आती थी और आती है तो एक आदत है कि मैं उसको सल्यूट करता हूँ और ऐसी आंखों में पानी सा आ जाता है कि यार कितना खुशकिस्मत था, इतना बड़ा इसने रुतबा हासिल किया। और फिर अजीब वाकयात होते हैं, हर साल हम सहारा के मेडिकल कॉलेज में शहदा की फैमिलीज़ को बुलाते हैं, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती है, उनकी फैमिली को तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, उनको नजराना अकीदत पेश किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी है और आज से नहीं है, 7-8 साल से है, कभी इस बारे में बात नहीं हुई। मगर ये वो था जो मेरा दिल, जो असल जो हमारे दिल के अंदर होता है, हम अक्सर इसके हवाले से बात नहीं करते। और फिर मैं सियासत में आता हूँ, मकसद फेम हासिल करना बिल्कुल भी नहीं है। ओहदा कोई मिल जाएगा, वज़ीर बहुत सारे हमें मिलते हैं जो अपना तारुफ़ कराते हैं कि मैं फ़लाँ वज़ीर हूँ, हमें नहीं पता होता। दुनिया भर में जाते हैं, हमें ना फेम की कोई लालच ना पैसे की, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने जो कमाया अपना माल, अपनी जवानी, अपना वक्त सहारा को दिया, आप सब जानते हैं, आज वो अरबों के मंसूबे हैं और मैं उनके सामने एक छोटे से बेबी की हैसियत रखता हूँ। सहारा को अल्लाह ने इतनी तरक्की दी और ये उस सूरत में होता है जब आप कुछ ना कुछ दे रहे होते। तो सियासत में आने का मकसद ये था कि मैं एक बड़ा काम करूँगा, बड़ा सोशल वर्क करूँगा, अवाम को फ़ायदा होगा,
और वो ख्वाब हम सब देखते हैं कि कोई ऐसा बटन मिल जाए, हम ऑन करें तो पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा वक्त पता नहीं कब बदलेगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे वो अपना सियासत में जो रोल था, जो काम आवाम के लिए करने का, वो फ़िलहाल पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो सियासी रवैये हमें आज की सियासत में नज़र आ रहे हैं, तशद्दुद, उसमें वो हमें नज़र नहीं आ रहे। वो आगे खिदमत वाला एलिमेंट मुझे नहीं नज़र आता, बल्कि जो पहले मैं कर रहा हूँ शायद वो भी मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर हम ऐसा काम में क्यों मज़ीद अपना वक्त ज़ाया करें जो हमें आवाम की खिदमत से की तरफ हमें आगे सवाए अंधेरे के फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो 9 मई के वाकयात, शायद ही कोई होगा जिसने इसकी मजम्मत नहीं की होगी, उसमें हमने उन्हीं शहदा जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था उनकी यादगारों को टूटते हुए देखा, आग देखी। ये लोग मेरे साथ जो यहाँ मौजूद हैं, ये शादरा से हैं, मैंने ये गवाह हैं सब के, मैंने वहाँ उस वक्त मौजूद था। जब मैं वापस आया तो रास्ते में बहुत सारे लोगों ने टायर शायद जलाए हुए, रास्ता रुका हुआ था। मैंने उस वक्त भी तकरीर करके न सिर्फ के मजम्मत की बल्कि उनको तलकीन करने की कोशिश की कि इस तरह की कोई हरकत ना की जाए। मगर PTI के जो लोग वहाँ पहुँचे और जो तोड़ फोड़ उसके नतीजे में वहाँ पर हुई, जो आग लगी और जहाँ जहाँ भी लगी, वो शहदा की यादगारें हमारा तुर्रा इम्तियाज़ हैं। और उसकी शदीद तकलीफ़ मुझे भी है, हम सबको है। और मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पहुंच रहे हैं। इस तरह के रवैयों के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहे तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इन्नल्लाहा मा साबिरीन, हमें हमारा दीन बहुत कुछ सिखाता है। मैं ये भी डिस्कस करता रहा अपने लीडर्स के साथ कि नबी करीम सल्लम सुलह हुदैबिया भी करते हुए हमें नज़र आते हैं। वो पैगाम हम सब के लिए है कि कभी कभार हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए मामला फहमी के साथ, बसीरत के साथ। सो मैं इन शॉर्ट आगे बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि 9 मई के बदकिस्मत दिन के हवाले से जो वाकयात रूनुमा होते हैं, उसके नतीजे में जो खदशात और आगे मसाइल पैदा होते हुए और जो एक फीलिंग्स हर्ट हैं उनको देखते हुए, और अपना जो भी सोशल वर्क मैं कर रहा हूँ उसमें प्रॉपर परफॉर्म ना कर सकने, क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया में जाता हूँ, फंड रेजिंग सहारा मेरे पे डिपेंड करता है, मुझे उसमें फंड्स दरकार हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ ऐसा। तो इसलिए जाहिर है कि मुझे उसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी, मेरा अभी परसों भी लंदन में फंड रेजिंग इवेंट है जिसमें हम पैसे लाएंगे तो लोगों को जाहिर है तनख्वाहें भी मिलती हैं, और अभी तक हर महीने 82,000 लोगों का मुफ्त इलाज होता है। तो वो मेरी बहुत बड़ी तरजीह है। और आप लोगों में से जो लोग मेरे घर तशरीफ़ लाए होंगे जब मैंने सियासत ज्वाइन की थी, तो उस दिन मैंने एक जुमला कहा था, उन लोगों को यकीनन याद होगा, ऑन रिकॉर्ड भी है, कि सोशल वर्क मेरे दिल में इतना करीब है कि इसके लिए सियासत भी छोड़ी जा सकती है। आप में से कई लोगों ने ये कहा था कि आपने एक बड़ी वीक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, तो मैंने उसके जवाब में ये कहा था कि हो सकता है एक वीक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, लेकिन जो मेरे दिल में था मैंने उसका इजहार किया। हमें पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ करना है, हम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये मुल्क वसाइल से माला माल है, जो फौज और हुकूमत या कह लें कि सिविल और मिलिट्री रिलेशंस है वो माँ बाप की तरह से होता है, आवाम औलाद होती है,
उनके अच्छे ताल्लुकात अवाम पे खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। पाकिस्तान रहने के लिए बना है और हम में से हर बंदे की तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। सो इन कलिमात के साथ मैं आखिर में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ कल किसी ने नहीं देखा। साथ ही साथ मैं एक अभी 15 मिनट पहले मैंने कुछ लिखा है और वो मैं आप लोगों के साथ तरन्नुम में अगर शेयर करूं तो मेरे जज्बात की शायद किसी हद तक अक्कासी मुमकिन हो। जो राहे हक में चले गए उन पे दिलवारूं जावारूं, इस देश के उन रखवालों पे मैं क्या वारूं क्या ना वारूं। हम मसबत सोच के हामिल है, हमको बस इतना कहना है इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है। इमरान साहब, इस मौके पे आपने इतने तकराने गए पीटीआई के लिए, तो आप ये बताएंगे कि आपकी वजह से कितने लोग जो हैं वो मोटिवेट हुए आज रियासत और आपकी जो पार्टी थी वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए जाके, और फिर 9 मई का वाकया हुआ, तो आप तो आराम से आते हैं पार्टी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चार आंसू बहाते हैं, घर चले जाते हैं, तो जो हज़ारों कारकुन आपकी वजह से जेलों में पड़े हैं उनके लिए तो आंसू बहाएंगे, आप क्या कहते हैं उनके लिए? जो कारकुनान हमारे बेकसूर हैं उनको ज़रूर फौरन छोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो इस में मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और आगे देखेंगे बाद में क्या होता है। ज़ाहिर है जब पॉलिटिक्स ही छोड़ दी तो फिर पीटीआई और नो पीटीआई का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मुझे तो लगता है ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, इश्यूज़ हैं, लेकिन जाहिर है कि जो लोग इख्तदार में रहे हैं वही इसके जिम्मेदारान हैं। मैं अब चूँकि पॉलिटिक्स ही जब छोड़ रहा हूं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या देना और क्या ना देना आप लोगों के सामने। आप समझते हैं 9 मई के वाकये के जिम्मेदार इमरान खान हैं, क्या आप समझते हैं?